after the partition of our countries, the minorities in countries like Bangladesh have faced persecution, and it is our moral obligation that if circumstances force people, these unfortunate people, to seek refuge in our country, our approach to granting citizenship to these unfortunate persons should be most liberal. I sincerely hope that the Honourable Deputy Prime Minister will bear this in mind in charting out the future course of action with regard to the Citizenship Act. Thank you. Mr. Advani, the minorities in Pakistan are also suffering. They have to be taken care of too. I fully endorse what you know. इन्हें तो आपने पहचाना ही होगा। जी हाँ, ये है हम सब के प्यारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। और ये वीडियो क्लिप जो आपने देखा है ना, ये तब की है जब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह सन 2003 में राज्यसभा के ऑपोजिशन लीडर हुआ करते थे। गौर कीजिएगा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और ऑपोजिशन के लीडर साल 2003 में राज्यसभा में CAA के फेवर में, जी हाँ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के फेवर में, इस कानून को लागू करने के फेवर में वो भाषण दे रहे थे, जबकि तब केंद्र में बीजेपी की कोलिशन गवर्नमेंट सत्ता में थी। क्यों ये जानकर आश्चर्य हो रहा है? होना भी चाहिए, क्योंकि एक ही पार्टी के नेता जो तब CAA के फेवर में बात कर रहे थे, वही आज उनकी ही पार्टी उसी CAA के विरोध में उतरे हुए हैं। कभी CAA के विरोध में धरना प्रदर्शन में शामिल होना, देश का चक्का जाम करवाना, अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था, विपक्षी नेता देश के बाहर देश को बदनाम करने में जुटे हुए। यही नहीं, आज भी इस कानून को लेकर झूठ मूठ के अफवाह फैलाने में विपक्ष कोई कसर नहीं छोड़ रहा। पहली बात तो ये है, इतना विलंब क्यों किया? और अगर विलंब किया तो चुनाव के बाद क्या दिक्कत थी? उनका एकमात्र उद्देश्य होता है हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान में बांटो। তার মানে এখন যারা যাদের দরখাস্ত করতে বলা হচ্ছে, তার মানে তারা যেই দরখাস্ত করবেন সঙ্গে সঙ্গে তারা নাগরিক থাকা সত্ত্বেও আপনারা বেআইনি অনুপ্রবেশকারী হয়ে যাবেন, তাহলে আপনাদের সম্পত্তি কি হবে, আপনাদের চাকরি বাকরি কি হবে, আপনাদের ছেলে মেয়েদের পড়াশুনো কি হবে, সবটাই বেআইনি ডিক্লেয়ার হয়ে যাবে, আপনাদের কোনো অধিকার থাকবে না। और ऐसा तब हो रहा है जब सरकार इस कानून को लेकर स्पष्टीकरण भी दे चुका है कि CAA कानून लागू होने पर किसी भी भारतीय का नागरिकता छीन लेने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये चीज इस कानून में शामिल ही नहीं है। कि माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है, देश में किसी की भी नागरिकता CAA छीन ही नहीं सकता, क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है, फिर भी बवाल मचा हुआ है। और हाँ मित्रों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके लिए ऐसा करना बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपका ऐसा करने से हमें हमारे नेक्स्ट वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिलता है। वीडियो पर वापस आते हैं। 11 मार्च को केंद्र ने उन नियमों की घोषणा की जिनके अनुसार 2019 का नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 के आम चुनावों से पहले देश में लागू किया जाएगा। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि सरकार अब अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीयता की पेशकश करेगी, जो बिना किसी दस्तावेज के 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आ गए थे। इन सताए गए गैर मुस्लिमों में सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी और हिंदू शामिल है। अधिनियम का उद्देश्य धार्मिक प्रताड़ना के कारण देश में शरण लेने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा करना है। अधिनियम उन्हें किसी भी इलीगल माइग्रेशन यानी कि अवैध तरीके से भारत में रहने के कारण होने वाली कानूनी कार्यवाही या प्रोसीडिंग से सुरक्षा प्रदान करती है। इस कानून के तहत भारत में रहने वाले किसी भी मुसलमान की नागरिकता छिन जाने का कोई सवाल या प्रावधान ही नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बोला था। तो फिर CAA को लेकर इतना विवाद क्यों? आपके ओपिनियन हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि CAA के माध्यम से भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए आवेदक तभी एलिजिबल होंगे अगर वो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में आ चुके हो। इन नियमों को नागरिकता संशोधन नियम या सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल कहा जाता है। होम मिनिस्ट्री के वक्तव्य के अनुसार CAA 2019 के तहत एलिजिबल व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन करने में सक्षम करेगा। वर्तमान में भारतीय नागरिकता उन्हीं लोगों को मिलती है या उन्हीं लोगों को दी जाती है जो या तो भारत में पैदा हुए हो या कम से कम 11 वर्षों की अवधि के लिए वो भारत में रह रहा हो।
सिर्फ यही नहीं, ये कानून ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यानी OCI को नागरिकता अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता हो तो संशोधन भारत के विदेशी नागरिकता OCI कार्ड धारकों के रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण को भी रद्द कर देता है। तो देख रहे मित्रों, CAA लागू होने पर क्या कोई किसी भी एंगल से भारत के नागरिकों के नागरिकता छिन जाने का जो तर्क दिया जा रहा है ओपोजिशन के द्वारा, उसका समर्थन करेगा? इस विषय में आपके विचार हमें जरूर बताइए, और अगर आपको CAA को लेकर कोई सवाल मन में हो तो आप हमसे वो भी पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। अब जब CAA को लेकर सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आ चुका है, फिर भी इसको लेकर कंट्रोवर्सी थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इस विषय में विस्तार से हम अपने अगले वीडियोज में बात करेंगे। तो अभी के लिए विदा लेते हैं मित्रों, आप खुश रहिए, हमारा देश भी खुश रहेगा। जय हिंद।